हाँ देखिए मंच तैयार है, यहाँ पर युवाओं की फौज नजर आ रही है। हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय, आपको बता दें डुमरी चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अब से थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। कुछ समय रह गया है, आपको बता दें यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की भीड़ है। आपको हम बता दें हजारीबाग में परमंडलीय रोजगार मेला लगा है, ऑफर लेटर का वितरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सामने की तस्वीर आप दिखा दीजिए, जो स्टेज तैयार है देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पोस्टर, और डुमरी चुनाव जीतने के बाद एक तरीके से जो मनोबल बढ़ा है उसके बाद ये जो रोजगार मेला का आयोजन है बहुत बड़े संकेत है 2024 के चुनाव को लेकर। लगातार उनके ऊपर दबाव रोजगार को लेकर बनता रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में किस तरीके का माहौल है, जो परिसर है वहाँ पर युवाओं की फौज है, 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि कौशल विकास से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो प्रशिक्षित युवा है उनको ऑफर लेटर दिया जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, हम लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, बहुत संख्या में लड़कियां हैं यहाँ पर जो मौजूद है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय का परिसर है जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और ये जो परिसर है बिल्कुल पूरी तरीके से भरा हुआ है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा 2015 में लाई गई थी, झारखंड में भी इस स्किल इंडिया प्रोग्राम को लेकर कौशल विकास योजना को लेकर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही योजना चली जा रही है जिसमें परमंडल तक पहुंचने की कोशिश है, 80 परमंडल का चुनाव किया गया है जहां पर रोजगार को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड आते हैं, जिसमें सिलाई मशीन से लेकर प्लम्बिंग से लेकर इलेक्ट्रीशियन से लेकर तमाम जो ट्रेड है 40 के करीब ट्रेड है, तमाम युवा को रोजगार के साधन जुटाने को लेकर जो इंडस्ट्री में जिसकी मांग है उन तमाम चीजों को लेकर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये आप तो फिलहाल जो भीड़ आप देख रहे हैं एक बार दिखा दो, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार आपको बता दें मंच पर लगातार वहाँ पर गायन नृत्य का कार्यक्रम जो झारखंड की जो खूबसूरती है उसे दिखाने की कोशिश हो रही है। तो बैकग्राउंड में आपको आवाज आ रही होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर हैं। किस चीज का प्रशिक्षण ये है? सिलाई का। कहाँ जॉब लगा है? जॉब नहीं लगा सर। जॉब नहीं लगा, ऑफर लेटर मिलेगा? कहाँ के लिए? तमिलनाडु। तमिलनाडु का। कितना पैसा मिलने वाला है? 12,000। जाना है आपको? नहीं जाना। नहीं जाइएगा? कहाँ है? घर में नहीं जाना दे रहा। घर में जाने नहीं दे रहा। कहाँ की रहने वाली है? तो छाती की। कितना दिन सिलाई का प्रशिक्षण लिए? 3-4 महीने। सीख गई अच्छे से? बढ़िया से हुआ है प्रशिक्षण? आगे काम देगा आपको? देगा सर। देगा तो गांव में ही करेंगे आप? हाँ गांव में ही करेंगे। देखिए हम महिलाओं से पूछ रहे थे, ये गांव में ही करेंगे, हम और भी लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे। क्या है आपके हाथ में दिखाइए? सर ऑफर लेटर है। यस सर। एक बार दिखाइए, वहाँ दिखाइए क्या होता है। ये देखिए ये ऑफर लेटर है। चेहरा चेहरा भी देखिए। कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम बोकारो की। बोकारो की हैं। किस चीज में प्रशिक्षण लिए हैं? क्या सीखी हैं आप? सर सिलाई। सिलाई। कहाँ जाना है, कहाँ का ऑफर है? सहाना में। जयपुर। तमिलनाडु। तमिलनाडु। कितना पैसा दिया जा रहा है? क्या सर? कितना पैसा दिया जा रहा है? 1500। 1500 रुपए महीने का? यस सर। महीने का कितना पैसा के लिए बोला गया? 8,500 रुपए। 8,500 रुपए। यस सर। जाना है आपको? यस सर। जाएंगे? यस सर। देखिए हम जो महिलाएं हैं उनको सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दिया गया है, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। जो यहाँ पर महिलाएं हैं हम और भी लोगों से बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ भीड़ आप देख रहे हैं किस तरीके की भीड़ है, जो रोजगार को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं झारखंड में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बनता रहा है।
उसको लेकर आप कह सकते हैं कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है, डुमरी चुनाव के बाद जो जीत मिली है, यहाँ आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं की फौज है, एक तरीके से जो रोजगार मिला है, जो 7 प्रमंडल है, जो प्रोग्राम हो रहा है उसको तालियां बजाई जा रही है। कहाँ जाना है आप लोग को, क्या का प्रोसेस चल रही है? सिलाई का। कहाँ की रहने वाली है? कोडरमा। कितना दिन का प्रशिक्षण था? 3 महीने। हाँ 3 महीने। कहाँ का ऑफर है? कोडरमा। कहाँ जाना है, कौन से स्टेट के लिए है नौकरी का ऑफर लेटर, कहाँ के लिए है? सब तमिलनाडु बोल रहे हैं आपको, तो वहाँ का है। हाँ। कितना पैसा मिलने वाला है? 10,000। जाना है आपको? हाँ। जाइएगा। हाँ। अच्छे से सीख लिए? हाँ। देखिए हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, कहीं 8,000, एक बार थोड़ा जाने दीजिए हमको, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000। जो रोजगार को लेकर जो समस्या है झारखंड में, उसको लेकर आप देख सकते हो जो स्किल इंडिया के जो प्रोग्राम है उसके तहत जो कौशल विकास, जो श्रम नियोजन मंत्रालय की तरफ से कौशल विकास योजना चलती है उसको लेकर और जो प्रशिक्षण दिया जाता है झारखंड में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड से निकल कर आए युवा जो हैं वो रोजगार को लेकर साधन जुटा सके। ऑफर लेटर है आपके पास, कहाँ के हैं आप? धनबाद। धनबाद। दिखाइए एक बार ऑफर लेटर, नाम बताइए अपना। मनोज कुमार। किस चीज का प्रशिक्षण लिए? एफडी का। एफडी क्या होता है? फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग का क्या किया है उसमें, क्या सीखे है उसमें? बहुत ट्रेनिंग दिया गया है, जैसे सिलाई कढ़ाई और फिर डिजाइनिंग, हर तरह का डिजाइनिंग का। तो जॉब का ऑफर है जी? कहाँ के लिए है? अभी तो पता नहीं, आए हुए जॉब के लिए ही आए हुए हैं। कितना कितना पैसा, कुछ बात है कितना पैसा मिला? पता नहीं है इस बारे में। जाना चाहते हैं आप लोग जी? बाहर काम करना चाहते हैं? प्रशिक्षण अच्छे से हुआ है? बाहर बाहर नहीं, हम लोग झारखंड के अंदर में थे। झारखंड में ही रोजगार दीजिए? झारखंड, क्योंकि जितना पैसा मिलना है उससे नहीं होना, ऐसा ही कुछ है। झारखंड में ही, बाहर जाए कोई, बाहर जाके फिर सब कोई बाहर से फिर रिटर्न यही आ जा रहे हैं। थैंक यू सर। देखिए हम बात कर रहे हैं लोगों से, जब आप ये तमाम बातें आप सुन रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बात की जाए। ऑफर लेटर आपके पास लाइव आ रहा है, दिखाइए, आराम से उठ जाओ। कहाँ के लिए ऑफर है? जमशेदपुर। रहने वाले कहाँ के हैं? इधर देखिए ना, क्या ऑफर है, कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के। क्या क्या सीखे हैं, क्या प्रशिक्षण? ITI टेक्निकल फिटर। कहाँ के लिए ऑफर है? जमशेदपुर का। कितना पैसा मिलना है? 11,000। जाना है आपको जी? सीखे अच्छे से जी? कितने दिन सीखे? 2 साल। 2 साल का ट्रेनिंग हुआ है जी? चलो वो देखिए, रोजगार मेला जो लगा है जहाँ पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे, जो युवाओं को ऑफर लेटर बांटेंगे, वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय का परिसर है जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब थोड़ी देर में पहुँचना है, और बताया जा रहा है कि उनके साथ झारखंड सरकार के मंत्री भी हो सकते हैं, आलमगीर आलम हो सकते हैं, बताया जा रहा है श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हो सकते हैं, और जो अभी नवनियुक्त, जो आप कह सकते हैं नवनिर्वाचित जो विधायक हैं, विधायिका हैं, बेबी देवी जो अभी डुमरी का चुनाव जीती हैं, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। कहाँ के हो भाई, आ जाओ सामने आ जाओ, कहाँ के हो? धनबाद से। धनबाद से आए हो, क्या सीख के आए हो, क्या प्रशिक्षण लियो? FTOHA का फील्ड टेक्नीशियन और एप्लीशियन। क्या होता है इसमें? इसमें जितने भी घरेलू उपकरण है उनको ठीक किया जाता है, मतलब फ्रिज है, एसी हो गया, फैन, कूलर, सब सीख लिए। हाँ। कितने दिन का ट्रेनिंग था? 45 दिन का कोर्स था। कहाँ का ऑफर है? हम लोग अहमदाबाद का। अहमदाबाद जाओगे वहाँ? हाँ। कितना पैसा मिल रहा है अभी? सब कार्ड के PF कार्ड के 12,200 मिल रहा है। जाना है? हाँ जाना है, लेकिन हम लोग सब मिला के 14,000 मिल रहा है। खुश हो? हाँ सर। पूरा अच्छे से सीखे हो? थैंक यू सर। आइए, कहाँ से हैं आप? आइए सामने, कहाँ से आई हैं? मैं धनबाद भगवान के रहने वाली हूँ।
अलवारा की रहने वाली है, खुश हैं आप लोग? यस सर, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है? यस सर, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए बेरोजगार मेले लगाए, मैं बहुत खुश हूँ। और ट्रेनिंग देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती है। क्या सीखी है आप, क्या प्रशिक्षण क्या लिए किस चीज का? मैं महिंद्रा स्किल से है ना, SMO का सिलाई मशीन हम लोग सीखे, सिलाई करना सीखे है, उसको बारे में जाने हैं। और फिर हम लोग को सर ट्रेनिंग दी है 3 मंथ का, और फिर बोला जाता है कि हम लोग को प्लेसमेंट भी भेजा जाएगा। कितने दिन का ट्रेनिंग था? 3 महीने का। 3 मंथ का ट्रेनिंग। अच्छे से सीख गई है? यस सर। कहाँ के लिए ऑफर है कुछ पता है आपको? यस सर है, हम लोग को तिरुपुर के लिए, और फिर तिरुपुर के लिए जगह का नाम है तिरुपुर, और फिर कंपनी का नाम है सहाना। कितना पैसा मिलने वाला है सर? मंथ है सर, सैलरी तो बोल रहा है शुरू का खाना पीना, और फिर PF काट कर 8,332 रूपए देने का सलाह दिया है। 8,300 में हो जाएगा? यस सर, अभी मतलब बढ़ाया जाएगा, शुरू का दिया जा रहा है। जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? यस सर, हम लोग तैयार हैं आप लोग जाने के लिए? यस सर। जाएंगे आप लोग? यस सर। आप लोग सब? यस सर, खुश है। अभी हम लोगों से बात कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो महिला है उनसे मिलने के लिए। भाई आ जाओ, कहाँ से आए हो? चतरेट खुरी सेंटर से। क्या सीखे हो, क्या प्रशिक्षण लिए? अभी हम रेडियो का प्रशिक्षण लेके आए यहाँ पे, हम लोग का जो मिला है तमिलनाडु में। रेडियो का क्या होता है उसमें? डाटा को एंट्री करने का काम मिलता है उसमें, डेटा एंट्री का काम सीखे? यस। कितने दिन का ट्रेनिंग था? ट्रेनिंग 3 महीने का था, 55 डेज का ट्रेनिंग था टोटल। 55 डेज का ट्रेनिंग था? यस। सीख गए अच्छे से? हाँ सर, सीख गए। नौकरी मिल जाएगा इसमें? हाँ सर। कहाँ नौकरी मिल रहा है? तमिलनाडु तरफ बताया गया सर, लोग बताएंगे तमिलनाडु तरफ मिलेगा। कंपनी का नाम? मोटेनिक लाइफ स्टाइल। कितना पैसा मिलना है? 10,503 रुपया। जाओगे? यस सर, जाएंगे सर। कंठस्थ है सब कुछ? जाएंगे सर। तैयारी पूरा करके आयो? नहीं सर, मतलब जो है जाना है। जाना है सर? जाना है पक्का। खुश हो तुम लोग? हाँ सर, बहुत खुश है सर। क्या भाई, बहुत खुश है सर? खुश हो? इधर आओ। बहुत खुश। कहाँ से हो? इधर आओ। कहाँ से हो तुम? झारखंड से। नाम बताओ, झारखंड का तो जगह बताओ। इटखोरी से हो? कहाँ ट्रेनिंग लिए? इटखोरी सेंटर, मतलब प्रखंड में सेंटर था। इटखोरी प्रखंड। कितने दिन का ट्रेनिंग था? 55 दिन का ट्रेनिंग था। क्या सीखे तुम? वीडियो डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ट्रेन तेरा एंट्री ऑपरेटर का था? हाँ, एंट्री ऑपरेटर का था। कहाँ जाना है? जाना है तमिलनाडु त्रिपुर। पैसा कितना मिलना है? 10,530 रूपया। हो जाएगा। बहुत खुश हूँ। और इनहैंड सैलरी 8,703 रूपए। 8,700 इनहैंड मिलेगा? हाँ, इनहैंड मिलेगा। खुश हो जाओगे? हाँ जाऊंगा, खुश हूँ पूरा। अच्छे से सिखाया गया? हाँ, अच्छे से सिखाया गया। घर में सब खुश है? हाँ सब खुश है। आज क्या मिलने वाला है? आज ऑफर लेटर मिलने वाला है, अभी हम लोग को कब जाना है वो यहाँ पे बताएंगे। ऑफर लेटर स्वीकार करते हो? हाँ स्वीकार करते हैं ना। स्वीकार करते हो तो मुख्यमंत्री के हाथ से लोगे? खुश हो? हाँ खुश है, बहुत खुश है। और झारखंड के मुख्यमंत्री बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। घर की तरफ ऐसे वैसे घूमते थे, ये हुआ तो बहुत अच्छा बात है। ये मेरा गुड नेम मोहम्मद अनुल है। सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। पहले बताइए ये आपका किस रोल में है? मैं एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनर हूँ, है ना, स्कूल ट्रेनर है। ये हमारे बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की है। और ये जो व्यवस्था है, गर्मी तो लग रहा है, ये खुशनुमा माहौल जो देख रहे हैं आप, ये झारखण्ड सरकार की देन है, जो कि जगह जगह प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। और इन जो छोटे छोटे गांव से बच्चे, उनको सेंटर पे लाकर उनको जो अलग अलग जॉब उनकी ट्रेनिंग देकर हमको बताइए, 8,000 में आपके बच्चे जा रहे हैं, 8,000 में तमिलनाडु में रह लेंगे? नहीं, 8,000 इनकी CTC जो है, CTC इनका 11,000 है। और इनको PSI कट के इनको इन हैंड जो है 8,000 रुपया इनका फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। पर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा, इनकी सैलरी भी ग्रोथ होगी। झारखंड में 8,000 में जॉब मिलता तो ज्यादा बढ़िया था ना? देखिए झारखंड में एक्चुअली हम लोग एक्चुअली झारखंड में इतनी सारी फैसिलिटी अभी नहीं है, जिसके कारण हम लोग अभी इतना प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे झारखंड में। हाँ, इंडस्ट्री के कम होने के कारण। कितना बच्चे जा रहे हैं वहाँ, जहाँ की बात कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग झारखंड से बाहर जो भेजते हैं, ऐसा है कि तिरुपुर अलग अलग हम लोग स्टूडेंट भेजते हैं, तमिलनाडु हो गया, इसके बाद इधर दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, ऐसे जगह पे अलग अलग लोकेशन। कौन सा ट्रेड है आपके यहाँ जो प्रशिक्षण दे रहे हैं? हमारे यहाँ जो है SMO का है, ACT का है, FTS का है, इलेक्ट्रीशियन का है, पीटर का है, ये सारे हमारे यहाँ भी ट्रेड रनिंग में चल रहा है। अभी हमारे यहाँ के बच्चे आए हैं, वो 200 हमारे यहाँ से जो बच्चे आए हैं सर,
जो कि बच्चे बहुत खुश है, आठ हजार में बहुत खुश है, नहीं 8000 ट्रेनिंग से खुश है, जो कि बेरोजगार थे पहले, इनके पास हुनर नहीं था, पर आज के डेट में इनको हुनर को प्राप्त किया, इन्होंने हुनर को हासिल किया। पहले तो हुनर सीखना ना सर, पहले हुनर के पीछे भागी है, इसके बाद पहले सैलरी के पीछे भागी है, तो जो बेरोजगार बैठे हुए थे आज कभी को हुनर तो सीखे सर, तो वो सीखने के लिए इनके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, वो बहुत है सर। क्या सीखी है आप, क्या प्रशिक्षण क्या लिए है, कौन ट्रेड क्या था आपका? ये क्या होता है? सेविंग मशीन ऑपरेटर। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? सहाना। सहाना कितना पैसा मिलना है? 8,500। आना है आपको? हाँ। खुश है आप लोग? हाँ। कितने दिन का ट्रेनिंग था? ट्रेनिंग 45 डेज का। 45 डेज में सीख लिया अच्छे से। हाँ। और क्या फैसिलिटी मिल रहा था? घर कितना दूर है आपका वहाँ से, ट्रेनिंग सेंटर से? ट्रेनिंग सेंटर से होगा 25 किलोमीटर। तो फिर सरकार पैसा दे रही थी आने जाने का, परिवहन का? नहीं, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। हॉस्टल में रहते? हाँ, हॉस्टल में रहते। अच्छा, ये आप भी बताइए, कहाँ से हैं आप, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरे नाम मैं खुद रहने वाली। क्या सीखी है आप? आपके ट्रेनिंग के बच्चे लोग हैं, नाम बताइए आप? मेरा नाम रूबी कुमारी है, मैं ICT की ट्रेनर हूँ, मैं सक्षम झारखंड कौशल विकास और बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, 45 डेज की ट्रेनिंग देती हूँ। कितने बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं? एक बैच में 30 हो गए हैं। क्या ग्रेड है आपके यहाँ? SMO ACT है, FPHO है। ICT मतलब घरेलू उपकरण होता है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चे अगर नहीं जाना चाहते जॉब पे, उन्हें सीखे घर पे अपना जॉब घर चलाते हैं। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा लग रही है, लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है, सिलाई मशीन वाले लोग ज्यादा है। मुझे ये बताइए, लोग बाहर जाने वाले हैं दूसरे स्टेट में, तो 8,000-10,000 क्या बोले सर? 8,000-10,000 में हो जाएगा क्या? हाँ सर, फ्रेशर के लिए तो हो जाएगा, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद फिर वो बढ़ ही जाता है, 15,000 का हो जाता है। ये पहली बैच है आपके ट्रेनिंग सेंटर के? नहीं सर, इससे पहले भी गए? बहुत सारे। जॉब कर रहे हैं वो? हाँ, वो लोग जॉब भी कर रहे हैं, खुश भी है सर, बहुत खुश है। जॉब कर रहे हैं? कितने लोग जॉब कर रहे हैं सर? कम से कम 2,000 बच्चे तो जॉब। अच्छा, डेटा मिलेगा उसका? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। देखिए, हम बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कौशल विकास जो प्रशिक्षण जो योजना है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं, और यहाँ पर हजारीबाग के इस विनोबा भावे परिसर में जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे, ऑफर लेटर बांटेंगे, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से भीड़ है, किस तरीके से यहाँ पर माहौल है, और डुमरी चुनाव जीतने के बाद एक तरीके से जो बातें हो रही हैं या होंगी भी आगे, जो रोजगार को लेकर जो झारखंड में समस्याएं थी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसे पाटने की, एक तरीके से लोगों के जहन में ये दिमाग में डालने की कि भैया रोजगार को लेकर भी सरकार काम कर रही है, तो उसी के तहत एक तरीके का प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों को ऑफर लेटर, युवाओं को ऑफर लेटर बांटेंगे। मैं कुणाल सिंह, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेगा।